नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे टी जी टी टीचर्स ठीक है मिसलेनियस टीचर्स में पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से मिसलेनियस टीचर्स आते हैं तो सबसे पहले टी जी टी में अगर हम बात करें तो टी जी टी पी एंड एच ई यानी फिज़िकल एंड हेल्थ एजुकेशन ठीक है ये एक टीचर होते है हमारे हैं हमारे यहाँ टी जी टी में एक होते हैं हमारे यहाँ आर्ट एजुकेशन जिसे ए ई बोला जाता है ठीक है पी एंड एच ई ए ई एंड वर्क एक्सपीरियंस यानी डब्ल्यू ई इसके क्या एलिजिबलिटी क्राइटीरिया होते हैं इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगी ना अब हम बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न और सिलेबस की कि क्या किस टाइप का पेपर पैटर्न होता है तो जनरली पेपर पैटर्न जो है वो पार्ट वन एंड पार्ट टू जैसा कि जनरली सेम रहता है टेस्ट का ड्यूरेशन भी 150 मिनट्स का ही रहता है क्वेश्चंस 150 आते हैं और मार्क्स 150, यानी हर क्वेश्चन जो है वो एक मार्क का रहता है और आपको ये वाला जो पेपर है वो 150 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है 150 मार्क्स का एंड 150 फिफ्टी क्वेश्चन होते हैं पार्ट फर्स्ट में हर जगह लगभग यही रहता है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ठीक है इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ नाउ पार्ट टू पार्ट टू जो है वो उसमें वेरिएशन आता है तो यहाँ पार्ट सेकेंड आप ज़रूर देख लेंगे पार्ट सेकेंड में यहाँ पर फोर टाइप के सेक्शंस आपको दिख रहे हैं फर्स्ट वन इज़ जी के एंड करेंट अफेयर्स ये आपका टेन मार्क्स का आता है टेन क्वेश्चन आते हैं नाउ सेकेंड वन इज़ रीजनिंग एबिलिटी ये भी आपके टेन क्वेश्चन टेन मार्क्स के हो गए नाव थर्ड वन इज़ कंप्यूटर लिटरेसी ठीक है Now, ये भी टेन मार्क्स का आपका हो गया है और फोर्थ वन इज़ सब्जेक्ट कंसर्न ये सब्जेक्ट कंसर्न के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जो टी मैं में जो टीचिंग पोस्ट के लिए हमने देखा था इससे जो प्रीवियस वीडियो देखा था हमने उसमें सब्जेक्ट कंसर्न का कोई पेपर नहीं होता था लेकिन अगर हम टी जी की बात करें तो मिसलेनियस में जो है वो सब्जेक्ट कंसर्न के पेपर होते हैं तो अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कंसर्न के लिए क्या पेपर होता है और इसमें भी जो इंटरव्यू है वो सिक्सटी मार्क्स का होता है और रिटर्न और इंटरव्यू का जो वेटेज होता है वो सेम ही होता है जैसा कि टी में भी था एटी फाइव रेशियो फिफ्टीन आइए अब हम इसका सिलेबस देखते हैं आइए सिलेबस में सबसे पहले हम देखेंगे रिटर्न एग्ज़ाम के लिए जो डब्ल्यू की पोस्ट है उसके लिए क्या सिलेबस है तो आइए इसको हम बारीकी से देखें सबसे पहले यूनिट वन जो है यूनिट वन में ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं और ये टॉपिक्स भी डिटेल्ड वाइज यहाँ पर लिखे हुए हैं ठीक है जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हमें दिख रहा है सर्किट फंडामेंटल्स तो फर्स्ट टॉपिक हमारा सर्किट फंडामेंटल्स है जिसके बारे में हमें यहाँ पे पूरा डिटेल दिख रहा है देखिए ये पूरा सर्किट फंडामेंटल्स के बारे में ही है सेकेंड वन इज़ रजिस्टिव सर्किट्स किच लॉ नेटवर्क थीरम्स पैसिव सर्कट्स एलिमेंट्स एनर्जी सोर्सेस, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं यूनिट फर्स्ट में इनके बारे में भी पूरा आपको डिटेल में दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं नाउ सेकेंड यूनिट जो आपकी है देखिए ये सेकेंड यूनिट है सेकेंड यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं ए सी फंडामेंटल्स सीरीज ए सी सर्किट्स टाइम कॉन्स्टेंट्स ट्यूनिंग सर्किट्स एंड फिल्टर्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स द पी एन जंक्शन पी एन जंक्शन डायोड और इनका भी पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन टॉपिक्स में हमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं इनके आप नोट्स बनाते रहिए अभी से प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि सिर्फ रिटन में ही नहीं बल्कि इंटरव्यूज़ में भी यही क्वेश्चंस बनते हैं नाउ यूनिट थर्ड हम देखेंगे यूनिट थर्ड में हमें कौन कौन से टॉपिक्स uh, कवर करने हैं दैट इज स्पेशल डायोड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डी पावर सप्लाइज द बेसिक ट्रांजिस्टर ट्रांजस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अप्रॉक्सीमेशन लोड लाइंस एंड डीसी बायस करेंट्स ट्रांजिस्टर इक्विबैलेंट सर्किट्स एंड मॉडल्स ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिट थर्ड में आते हैं इनके सब टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं आप स्क्रीन ले सकते हैं ठीक है ये कुछ टॉपिक्स यहाँ पर भी रह गए हैं ये भी आप स्क्रीन ले लीजिए नाव हमारा यूनिट फोर यूनिट फोर में हमारे टॉपिक्स आते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर डेसिबल्स एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फीडबैक एम्पलीफायर्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स ब्रेकडाउन डिवाइसेस डिवाइस ऑसिलेटर्स नॉन साइनोसोइडल ऑसिलेटर्स ये सारे टॉपिक्स हमारे यूनिट फोर में कवर होते हैं इनके भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहें नाउ यूनिट फिफ्थ यूनिट फिफ्थ में आप देखिए मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन इंटीग्रेट सर्किट्स नंबर सिस्टम्स लॉजिक गेट्स बुलिन अल्जब्रा लॉजिक फैमिलीज ट्रांसड्यूसर्स इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके यूनिट फ़ाइव में आते हैं ये यूनिट फाइव भी आप अच्छे से इसके स्क्रीन ले लीजिए ठीक है तो ये आपका कवर हो जाता है पूरा टी जी टी का डब्ल्यू ई का पेपर ये हमारा पूरा कवर हो गया है अब हम बात करेंगे सिलेबस फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर टी जी टी पी एंड एच ई अब फ़िज़िकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए हमारा क्या सिलेबस है ये हम देखेंगे इसमें देखिए फिजिकल एजुकेशन थियोरी में ये पार्ट ए आपको दिख रहा है पार्ट बी पार्ट सी और देखेंगे हम पहले पार्ट ए में हम देखते हैं कौन कौन से कंसेप्ट हैं कंसेप्ट ऑफ फ़िजिकल एजुकेशन फिर यहाँ पे देखिए फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फ़िजिकल एजुकेशन नाउ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फ़िजिकल एजुकेशन फ़िजिकल फिटनेस एंड वेलनेस ट्रेनिंग मेथड्स एंड सोशियोलॉजिकल आस्पेक्ट्स ऑफ फ़िजिकल एजुकेशन यानी फिजिकल एजुकेशन के डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स हमें दिए हुए हैं वो सभी हमें पार्ट ए में कवर करने हैं ठीक है नाओ पार्ट बी नाओ वी विल टॉक अबाउट पार्ट बी पार्ट बी में आपको पूरी हिस्ट्री ऑफ गेम स्पोर्ट कोई भी एनी वन गेम जो भी आपका चॉइस है लेटेस्ट जनरल जनरल रूल्स ऑफ द गेम ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको वो पार्ट बी में कवर करने हैं नाओ पार्ट सी में आपका क्या क्या आएगा हेल्थ एजुकेशन देख लेते हैं हम एक बार पार्ट सी पार्ट सी में हमारा हेल्थ एजुकेशन है कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ क्या होती हैं कॉन्टेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए पी एंड एच ई लिखा है यानी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन यानी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भी सब इसी में आती हैं तो हेल्थफुल लिविंग कैसे हो फैमिली हेल्थ एजुकेशन कैसे की जाए प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़ ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके जो हैं वो पार्ट सी में कवर हो जाएंगे तो अब आप समझ गए हैं कि पी एच ए की पेपर में जो है वो पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी तीन पार्ट्स में पूरा सिलेबस जो है वो आपका कवर हो जाता है ये तीनों पार्ट्स आप अच्छे से पढ़ें इनके स्क्रीन शॉट्स ले लें आप ठीक है ये एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी इसके स्क्रीन शॉट्स आप अच्छे से ले लीजिए नाउ अब हम बात करेंगे टी जी टी एनि आर्ट एजुकेशन का सिलेबस क्या है ये हम देखेंगे तो इसमें ड्राॅइंग एंड पेंटिंग हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट में हमारा यूनिट वन में आता है आर्ट ऑफ इंडस वैली यानी सिंधु सभ्यता के टाइम पे क्या आर्ट का था हड़प्पा मोहिंजोदड़ो इन सब के टाइम पे इंट्रोडक्शन स्टडी ऑफ फॉलोइंग ये आप सब कुछ देखेंगे है ना ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये सब आप स्क्रीन ले लीजिए यूनिट टू में जो है वो बुद्धिस्ट जैन और हिंदू आर्ट के बारे में हम देखेंगे जितना भी है उसके बाद यूनिट थर्ड यूनिट थर्ड में हमारा टैंपल्स के बारे में है देखिए ये टैंपल्स क्लबच ब्रांजेस एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में पूरा है ये सिक्स सेंचुरी एडी टू थर्टीन सेंचुरी एडी में जो जो आर्ट के काम हुए हैं सब कुछ है इसमें ये आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए ना यूनिट फोर यूनिट फोर में आपका आता है राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल्स ऑफ मिनीचर पेंटिंग्स ठीक है ये सिक्सटीन सेंचुरी ए डी टू नाइनटीन सेंचुरी ए डी में जो भी आर्ट के काम हुए है, उनसे हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं तो इसका भी आप स्क्रीन ले लीजिए नाउ यूनिट सिक्स यूनिट सिक्स में आपका बंगाल से रिलेटेड है द बंगाल स्कूल एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट ठीक है नाउ प्रैक्टिकल में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी उसका भी एक अलग सिलेबस दिया हुआ है जिसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ये देखिए यूनिट वन में नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी एंड यूनिट टू पेंटिंग कॉम्पोजिशन इसमें भी आप लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लें कि किस तरह से पूछा जाता है ठीक है ताकि आप उस हिसाब से प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकें नाउ ये हम तीनों देख चुके हैं ए पी एच ई एंड डब्ल्यू ई और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं थैंक यू